अभी से कुछ साल पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था मेरे पास, और उसने मेरे से जो बातचीत की और जो मैंने उसको अपनी बातें बोली, मैंने तो सही बातें बोली, पता नहीं उसे क्यों नहीं अच्छी लगी। तो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा कि क्या बात हुई थी उस दिन हमारी। तो ये फ्रेंड रहता है दुबई में, और दुबई में इसका नाम है सलमान, और इसने मुझे कुछ सालों पहले फ़ोन किया था। तो जब मैंने फ़ोन उठाया, हेलो, ओए पठान का बच्चा बोलती, सलमान बोलती, तुमको याद होती? बोला, अरे सलमान बोल बोल क्या हो गया? अरे पठान का बच्चे को तुमसे हेल्प की ज़रूरत होती, तुम हमारा थोड़ा सा हेल्प कर देती तो बहुत अच्छा होती। अरे हाँ यार, दोस्त होते किस लिए, बोल क्या काम है, क्या हेल्प चाहिए? ओ पठान का बच्चे को 5,000 रुपया की ज़रूरत होती। सलमान श्योर, 5,000 रुपये तो तेरे को दे सकता हूँ यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने कसम खाई है। ओ क्या क्या कसम खाई खोचे, क्या कसम खाई तुमने? बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होती, बताओ। बोला, यार पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या है, मैंने कसम खाई जब तक कि राहुल गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते, तब तक मैं किसी को भी पैसे उधार पर नहीं दूंगा। ओए साला, तुम हमको बेवकूफ बनाती है, अब इसका मतलब तुम हमको इस पूरी जन्म में पैसा नहीं देती, हम रखते हैं खोचे। और ये बोल के उसने फोन काट दिया। लेकिन मैंने क्या गलत किया, मैंने कसम खाई है जब तक राहुल गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तब तक मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगा। सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट।